तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ और इस क्वेश्चन को एक करते हैं हम लोग। कहता है आर एक्स एल एक्स सी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप सबको पता होगा, इनसे अच्छे खासे मिले होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइमेंशनल लेस। हम सबको पता है रेजिस्टेंस आर और डाइमेंशनली एक्स एल बराबर होगा एक्स सी, ठीक है ना। और ये सब का डायमेंशन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना। वट एवर जो भी रेजिस्टेंस का होता है, रो एल अपॉन ए के इक्वल होगा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनली ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि डायमेंशन फार्मूला इन सब का क्या है मेरे भाई, सेम है, ठीक है। चलो निकालने की जरूरत है, ये मान लो एक्स है। तो अगर तुम देखोगे बीच है तो फॉलोइंग ही डायमेंशनल लेस। अगर मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, ये डायमेंशनल लेस थोड़ी आएगा, ठीक है। और यहाँ दूसरा अगर देखोगे तो ए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन अगर चेक करोगे तो आर है और इधर है एक्स एल और एक्स सी और ये सब कुछ अंडर रूट है और ये डायमेंशनली सारे इक्वल है, सब एक्स के इक्वल है अंडर रूट। तो ये डायमेंशनली कट गए तो ये आ जाएगा वन। वन का मतलब होता है एम नॉट एल नॉट टी नॉट डायमेंशनल लेस, मतलब यही वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है ना। तो सबके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये गलत है और ये डायमेंशनल लेस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।